उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है। रविवार सुबह की शुरुआत धुंध की घनी चादर और ठंड से हुई है और पूरा दिन ठंड यूं ही जारी रहेगी। देखिए, नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि सर्दी का कहर दिसंबर महीने के अंतिम दिनों में भी कुछ ऐसा ही था। बढ़ती ठंड के साथ दिन बदले, साल बदला और इस बीच तापमान और ज्यादा गिरने लगा। बता दें, दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में शीतलहर के कारण लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। यूपी के वाराणसी समेत अधिकांश हिस्सों में पारा गिर रहा है। नाटक लगा हुआ है, हम लोग बैठे हुए हैं, क्या करें, काम धंधा है नहीं, तो आगे ताप रहे हैं, बैठ के क्या करें, दूसरा कोई काम है नहीं, और क्या, सुबह वही निकलते हैं ठंड के मौसम में, क्या करें, नहीं सवारी वारी कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें, इसे ही बैठ कर तपला खा रहे हैं हम लोग। अभी तो उतना कोहरा नहीं पड़ रहा है सर, कोहरा भी पड़ेगा नहीं। बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक और कड़ाके की ठंड है। दूसरी ओर राजधानी के लोगों को वायु प्रदूषण ने भी परेशान कर दिया है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में है। वहीं हरियाणा में भी कपकपाने वाली ठंड है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते हरियाणा शीतलहर की चपेट में है। राजस्थान की सीमा से लगते जिले हिसार में तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब के लुधियाना में तापमान 7 डिग्री रहा। इस बीच मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।